इंदौर के समीप पीथमपुर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ माह पूर्व कंपनी के कर्मचारी व अन्य तीन लोगों ने कंपनी के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां पूरी घटना कंपनी के वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस फुटेज में नजर आ रहे चोरों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन फुटेज में कर्मचारी नजर आने के बाद जब फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी को बुलाकर पूछताछ करना चाहा, तो कर्मचारी डर के मारे दौड़ने लगा, जिससे कि वह सरिये लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। कर्मचारी नरेंद्र को सरिये इस तरह लगे कि उसके शरीर के आर पार हो गए, जिसको गंभीर हालत में उसके अन्य साथी पीतमपुर से इंदौर एम्बा अस्पताल लेकर पहुंचे। चोरी की घटना कंपनी में कुछ माह पूर्व हुई थी, इसके बाद से ही फैक्ट्री मालिक चोरी करने वालों की तलाश में छानबीन कर रहा था। रात को चोरी करी थी इन लोगों ने, हाँ। तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड में आ गए थे, हाँ। तो इनको इससे ये पूछा, भाई बता दो कौन कहाँ, मतलब कौन कौन लोग थे, तुम पुलिस आ रही वो मारेगी तुमको, बस इतना बोला, इनको भगने लगे। फिर इसके बाद कुछ नहीं, छत से कूद गया, ये सरिया निकला इसके पेट में, छत से कूदा, पीछे जो काम कर रहा है लेबर वर्कर, मतलब दूसरी कंपनी में, हाँ। उन लोगों ने देखा। इसका नाम क्या है? नरेन। कहाँ का रहने वाला है ये? इधर का है, अशोक नगर का है, गुना का है। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी में काम करता था? यहाँ पे काम करता था, लेकिन तनख्वाह लेने के बाद जब से काम छोड़ दिया इसने काम। कौन सी कंपनी में? सागर कॉर्पोरेट। तो कहाँ पे ये कंपनी? ये पीतमपुर में। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।